small in Italian, that is melanzane. Melanzane in Italy we call बैंगन को eggplant. ठीक है, eggplant. अब इसकी जो stuffing होगी, filling होगी, वो हम सिर्फ zucchini और spinach की बनाएंगे. If you want to make to add corn, you can add even corn also. If you want to add mushroom, you can add mushroom also. Get me mozzarella from inside. Yes. अच्छा, ये मैंने जो eggplant है, इनको मैंने marinate किया था with chopped garlic, balsamic vinegar and any herb, either basil or oregano. अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा grill कर लेंगे. ठीक है, थोड़ा smoky flavor भी आ जाएगा और ये cook भी हो जाएगा. बाकी आप लोग कर लेना है, कि जिसमें बोल रहा हूँ. ठीक है, we'll take the color from both sides. Okay, so this is the color, this is cook. ज़्यादा भी cook नहीं करना है, because ultimately at the last we have to bake it. ठीक है, जैसे लज़ानिया बेक करते हैं वैसे इसको बेक करेंगे. सो इट्स ऑलमोस्ट डन. सो प्लांट इज डन. द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक फिलिंग. ठीक है, इसके लिए हम लाइटर प्लीज थोड़ी सी फिलिंग बनाएंगे, क्योंकि हम मैं एक ही पोर्शन बना रहा हूँ. ऑलिव ऑयल फर्स्ट. सो गार्लिक, शैलॉट्स, और चॉप किया हुआ स्पिनच. स्पिनच में से सारा स्क्वीज कर लेना है. वी डोंट वांट एनी water. Get me flat wooden spoon. और कौन सी वेजिटेबल आएगी? सॉरी, जुकिनी. यस, जुकिनी. इफ यू हैव कॉर्न, इफ यू हैव मशरूम्स, यू कैन ऐड मशरूम्स, कॉर्न, व्हाटएवर यू वांट. थोड़ा सा मोज़रेला डालेंगे इसमें, सॉल्ट पेपर. सॉल्ट पेपर डालेंगे, देन वी विल ऐड मोज़रेला. मोज़रेला की जगह पार्मेजान भी ऐड कर सकते हैं. वैसे पार्मेजान हम अल्टीमेटली उसके ऊपर डालेंगे जब हम बनाएंगे. थैंक यू. अब ये हमारा रेडी हो गया क्या? स्टफिंग. यस, स्टफिंग. फिलिंग ऑफ मेलंजानिया. देख लो मोज़रेला का कमाल. स्टिकी स्टिकी चीजी चीजी. तो हमारा एक तरफ, हम ज्यादा कुक नहीं करेंगे, इवन जुकिनी को भी और इसको भी. लेट्स डन. सो दिस इज रेडी. नाउ द सेकंड नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेट इट डायरेक्टली. कैन आई हैव द वाइट प्लेट प्लीज? वाइट, द बिग वन, राइट वन. यस. सो इट डिपेंड्स, इफ यू वांट टू plate in a pasta plate, you can plate it in a pasta plate also. अब
मोल्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ जिससे कि उसको शेप मिल जाए। सबसे पहले जो लेयर लगेगी वो किसकी लगेगी? एग प्लांट की। एग प्लांट के बाद हमारी यस ये स्टफिंग। इसके बाद हमारे सॉस व्हाइट एंड रेड। व्हाइट फिर चीज अगेन मोजरेला या पार्मिजान। आई एम एडिंग मोजरेला, पार्मिजान सबसे ऊपर डालेंगे हम। थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर से किसकी लेयर आएगी? एग प्लांट। एग प्लांट। इसी तरीके से हम इफ यू वांट टू मेक जुकिनी लज़ानिया यू कैन मेक आउट ऑफ जुकिनी आल्सो। देन अगेन योर स्टफिंग। मशरूम और कॉर्न की भी कर सकते हैं आप, मैंने बताया जो भी वेजिटेबल्स आपके पास है। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू गो विद जुकिनी एंड दिस ओनली। अगेन द सेम प्रोसेस वी विल रिपीट। नेक्स्ट इज व्हाइट सॉस एंड टोमेटो सॉस। एंड बिकॉज आप चाहे तो एक लेयर और भी बना सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट मेकिंग अनदर लेयर, दिस इज मोर देन एनफ। आप इसके ऊपर टॉप हम किससे डालेंगे? पार्मेसान से। पहले तो आप प्लेट को साफ कर लेंगे, है ना, क्योंकि जब ये प्लेट जाएगी कहाँ? सेलेमेंट बेक होने के लिए। तो जब बेक होगी तो ये साइड में जो भी आपका पड़ा है ये सब प्लेट को खराब कर देगा। एंड पार्मेसान। ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा कलर के लिए डाल देंगे। डन। अब इसको सेलमंडर ऑन है। यस यस। आराम से प्यार नाल ऊपर कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? बेक। बेक। ठीक है, बेक करने के बाद यू विल गेट द गुड कलर। Right, you can see the layer. Yes, yes, sir. Right. So this is, I think, good color. The final product, right? We can see the layer. The cheese is coming out. That is mozzarella, and on the top we have parmesan. So layer of melanzane. That is eggplant and filling. That's why we call it melanzane. Lasagna. It's not lasagna seed. Don't get confused, right? So the same way we can make out of जुकिनी एज वेल, ठीक है। अब सॉस चाहे तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि यू नीड अ सॉस। कैन आई हैव स्पून? चेरी टोमेटोस, ये मेरे पास ऑलरेडी बेजिल ऑयल एंड चेरी टोमेटो ऑयल है। थोड़ा सा इसको ड्रिजल भी कर देंगे एट द फ्लेवर। हालांकि ये हमारा जो टोमेटो सॉस था उसमें ये फ्लेवर है। There was a bowl with the garlic and all. Where it is? ठीक है? Yes, sir. I think this is perfect. You don't need any bread and anything. This is complete perfect dish. Yes. You can serve it in a main course. If you want to serve it in a starter, you can serve it in a starter. Any doubt? No, chef. This is melanzane lasagna. Enjoy your lasagna. Thank you, chef.